चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यह कहावत भले ही पुरानी हो लेकिन कई जगहों पर फिट हो जाती है। और यह फिट हो रही है अजंता चौक पर, जो लग्जरी बसेस खड़ी होती है वहां पर। जलगांव पुलिस द्वारा कार्यवाहियां की गई थी जब आप तक न्यूज ने समाचार दिखाया था। उस वक्त वहां ट्रैफिक पुलिस वाले 2-3 दिनों तक कार्यवाही कर रहे थे एवं लग्जरी बस को वहां पर खड़े होने से मना कर दिया गया था, जिस वजह से अजंता चौक से जो रोड औरंगाबाद की ओर जाती है वहां पर भीड़भाड़ कम हो गई थी और लोगों को बहुत बड़ा दिलासा मिला था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से हालात वैसे के वैसे हो चुके हैं। लग्जरी बसेस फिर से वहीं पर खड़े होने लगी है, वहां पर सवारियां लेने लगी है। पुलिस वालों को भी शायद यहां कोई लेना देना नहीं है। वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हुआ करती है क्योंकि वहां सड़क बन रही है, सीमेंट की जो सड़क वहां बन रही है उस वजह से वहां आधी सड़क इस्तेमाल करने के लिए मिलती है, जिसमें धूल मिट्टी तो बहुत ज्यादा है। एक तो धूल मिट्टी, ऊपर से ट्रैफिक और फिर लग्जरी बस की परेशानी। इस पर पुलिस वालों को ध्यान देना ही चाहिए। एसपी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी टीम को बोलकर वहां पर फिर कार्यवाहियां करवाएं। यह जगह कोई लग्जरी बस के खड़े होने के लिए स्टैंड नहीं है और यहां पर कोई स्टैंड भी नहीं बनाया गया है। दरअसल जहां पर बस का स्टैंड बनाया गया है वहीं पर लग्जरी को खड़ा होना चाहिए, ताकि आवाजाही में कोई प्रॉब्लम ना हो और आने जाने वालों को भी कोई समस्या ना हो। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए।